बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में। हमारे इस चैनल में आज हम एक्सरसाइज 3.3 का आगाज़ करते हैं। बाकी पूरा चैप्टर तो मैंने आपको अपलोड कर दिया है। ये एक्सरसाइज बहुत आसान सी है, टर्म्स थोड़ी डिफ़िकल्ट सी हैं, तो वो मैं आपको टर्म्स के साथ साथ इसके क्वेश्चन करा दूँ। जस्ट 5 क्वेश्चन हैं, और इसको अगर हम पढ़ लें तो मे भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन इसका बन सकता है। आपको याद है इसमें इस चैप्टर नंबर 3 से एक एमसीक्यू, एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक एमसीक्यू, एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब ये 8 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, तो आपको अंदाज़ा हो कि ये 13 मार्क्स का आएगा। पेपर में इसका वेट 13 मार्क्स हैं, ये ज़्यादा वेट का चैप्टर है। इसको पढ़ने से पहले 3.3 के हर क्वेश्चन के लिए मैंने एक छोटा सा जो है वो आपको पेज बनाया है, तो वो मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या क्या पढ़ना है। एक वेक्टर ए लिखा हुआ है, ठीक है। अब उस वेक्टर का एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है, जो ख़ुद भी एक वेक्टर होगा। एडिटिव इन्वर्स अब बेटा आपको याद है, अगर एक नंबर लिखा हुआ है आपके पास, मैं कहूँ 7, तो 7 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -7। ऐड करने के बाद जवाब क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो, तो 7 का एडिटिव इन्वर्स -7, या यूँ कह लो -7 का एडिटिव इन्वर्स +7, जवाब 0 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई वेक्टर बेटा आपको दिया जाए ए, और उसको एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है, यानी उसका ऐसा वेक्टर मालूम करना है कि दोनों को ऐड किया जाए तो कैंसिल आउट हो जाए और 0 आ जाए, 0 कहने के बजाय कहेंगे नल वेक्टर हासिल हो जाए, तो वो जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो अपोजिट लिख दिया जाएगा। मतलब माइनस का 5 है, प्लस का 5i, माइनस का 3j, प्लस का 4k, तो ये i का अपोजिट लिख दिया, j का अपोजिट लिख दिया, k का अपोजिट लिख दिया। इन दोनों, ये दोनों वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर है ये वाला, इसका एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। कैसे, अगर ऐड किया जाए, -5 कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 0 आ जाएगा, तो ये वेक्टर दूसरे वेक्टर का एडिटिव इन्वर्स है। आई होप ये आसान सी बात है बच्चों। दूसरी बात समझो, कम्यूटेटिव। कम्यूट के माने क्या होते हैं, अदल बदल करना। आपको हमने पहले ही बताया था कम्यूट का मतलब होता है अदल बदल करना। ये आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा, ए डॉट बी की प्रॉपर्टी है बी डॉट ए, तो डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिखा जा सकता, तो ये फॉलो नहीं करता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। अब मुझे यहाँ पे ये दोनों नहीं पढ़ने, कम्यूटेटिव में हमेशा दो वेक्टर होंगे, कम्यूटेटिव में हमेशा दो चीज़ें होंगी। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इन दोनों को ऐड कर लिया जाए तो ये क्या लाएगा, वेक्टर एडिशन कहलाएगा। कहा जा रहा है ये वेक्टर एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब ये हुआ ए प्लस बी का जवाब इक्वल होगा बी प्लस ए के बराबर हासिल होगा। अगर ए प्लस बी का जवाब बी प्लस ए के बराबर आ रहा हो तो ये और ये बराबर होता है, इसीलिए इसको कहेंगे ये फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सही। तो ए प्लस बी इक्वल होता है बी प्लस ए, ए और बी को ऐड करो या बी और ए को ऐड करो, अगर दोनों का जवाब सेम आ जाए तो ये हम कहेंगे इट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। एडिशन में है तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाएगा। पर जो एक और टॉपिक है उसका नाम है नल वेक्टर, जिसे ज़ीरो वेक्टर भी कहते हैं। ओ से शो करते हैं, ज़ीरो नहीं है ये, ओ के ऊपर एरो बनाए थे। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसकी कोई जो है लेंथ भी नहीं होती, इसकी वैल्यू होती है 0i, 0j, 0k। ये तो हमने शो किया है, ये ओ लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट है ओ से शो किया गया, ये 0i, 0j, 0k हो जाएगा। तो ये तीन बातें आप याद रखनी है, एडिटिव इन्वर्स की, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब है अदल बदल कर दिया जाए, और नल वेक्टर की। बट ये बात समझ में आ गई है तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है,
ए वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, आपने वेरीफाई करना है। ये पहला वेक्टर ए प्लस नल वेक्टर प्लस नल वेक्टर प्लस ए इक्वल टू ए, दूसरा ये, तीसरा ये। अभी हम इसका सेकंड पार्ट पहले बच्चों को कराते हैं, हम एडिटिव इन्वर्स का। अब एडिटिव इन्वर्स किस किस का मालूम करना है हमें, ए बी एंड बी। फॉर ए, ए का एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है। हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है, हमारे पास ए वेक्टर ए गिवन है। क्या है वेक्टर ए, ऊपर से कॉपी कर लें, माइनस का फाइव फाइव प्लस थ्री जे माइनस फोर के, ये वेक्टर ए है। तो हम लिखेंगे इसका क्या मालूम करेंगे हम, एडिटिव इन्वर्स मालूम करेंगे, यानी ऐसा वेक्टर मालूम करेंगे कि वो प्रीवियस वेक्टर के साथ ऐड करने पे जवाब ज़ीरो आ रहा हो। अपोजिट वेक्टर होगा, माइनस फाइव फाइव है तो प्लस का फाइव फाइव, प्लस थ्री जे है तो माइनस थ्री जे प्लस ऑफ फोर के रिप्लेस कर देंगे। तो पूछा है एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए बी एंड टू ए प्लस बी, तो ए का एडिटिव इन्वर्स हमने निकाल लिया। अब हम काम करते हैं किसके लिए, फॉर बी के लिए। अब बी के लिए काम करेंगे तो बी की वैल्यू का आप कंसीडर कर लें, क्या दी हुई है बी की वैल्यू, टू आई फोर जे फाइव के, ठीक है। तो देयर फोर, अब इसका एडिटिव इन्वर्स मालूम करेंगे, एडिटिव इन्वर्स का मतलब है इसके इसका इन्वर्स ऐसा मालूम किया जाएगा ताकि जो है वो इन दोनों को ऐड करने पर ज़ीरो आ जाए। अपोजिट वेक्टर मालूम करेंगे, टू आई है तो माइनस का टू आई माइनस फोर जे और ये माइनस का फाइव के। फिर पूछा गया है फॉर एडिटिव इन्वर्स ए बी टू ए प्लस बी, 2a प्लस 3b, इसका एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है। तो बेटा पहले हम 2a 3b दरियाफ्त करें, 2a लिखा हुआ है 3b लिखा हुआ है, a की वैल्यू यहाँ से कॉपी कर लें, b की वैल्यू यहाँ से ले लें हम, अब आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तमाम एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होंगे, ये आसान चैप्टर। अगर आपने वेक्टर पढ़ लिया है हमारी तरतीब के मुताबिक तो ये बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज चैप्टर है। अब आप ऐड कर लें, माइनस टेन और सिक्स, माइनस का फोर आई हो जाएगा, जे और जे ऐड करेंगे तो माइनस एट, प्लस का फिफ्टीन, प्लस का सेवन के, ये क्या आ गया बताओ, टू ए प्लस थ्री बी आ गया। अब आप क्या लिख सकते हैं, अब आप बेटा इसका बता सकते हैं क्या चीज़, एडिटिव इन्वर्स ऑफ अबव वेक्टर यानी 2a प्लस 3b, वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी प्लस का 4i हो जाएगा, माइनस का 18j हो जाएगा, माइनस का 7k हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अच्छा बेटा इसके बाद देखें, इसका अगला पार्ट पूछा गया है हमसे, वही क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, नल वेक्टर प्लस ए, ए प्लस नल वेक्टर ए के बराबर है और ए की वैल्यू हमें गिवन है, तो वेरीफाई करना है। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, नल वेक्टर ज़ीरो वेक्टर प्लस ए का जो जवाब आएगा वो बराबर होगा ए प्लस नल वेक्टर के
और इक्वल टू ए वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो हम कंसीडर करेंगे वेयर बेटा ए वेक्टर आपको गिवन है माइनस का फाइव आई प्लस ऑफ थ्री जे माइनस का फोर के। बेटा इसको नाम दे दें, इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दें। अब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें ज़ीरो प्लस ए, कंसीडर ज़ीरो प्लस ए ये ले लें। और ज़ीरो वेक्टर क्या हो गया याद है आपको, ये या आपको याद रखना है, ज़ीरो वेक्टर नल वेक्टर है ज़ीरो आई ज़ीरो के, प्लस ए वेक्टर कौन सा है माइनस फाइव आई अब ज़ीरो और माइनस फाइव ऐड करेंगे तो माइनस फाइव होगा ना, ज़ीरो माइनस फाइव को ऐड करेंगे तो जवाब आएगा माइनस फाइव। ज़ीरो और थ्री, ज़ीरो में आप प्लस थ्री ऐड करेंगे तो जवाब आएगा थ्री के बराबर, ज़ीरो में माइनस फोर ऐड करेंगे माइनस का फोर के आ जाएगा। तो बेटा ओ वेक्टर प्लस ऑफ ए वेक्टर इसका जवाब ये आया। और बाय इक्वेशन नंबर वन ये माइनस फाइव फाइव थ्री जे फोर के दरअसल है क्या, ए के बराबर है सही, इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर टू को। नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है ओ प्लस ए, ए प्लस ओ। नेक्स्ट कंसीडर करेंगे आप ए प्लस ओ को, ए वेक्टर प्लस ऑफ ओ वेक्टर इसको बेटा कंसीडर कर लिया जाए। ठीक है, ए वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है, देखें क्वेश्चन में ये वन के मुताबिक क्या लिखा जाएगा, माइनस फाइव आई प्लस थ्री जे माइनस फोर के, और ज़ीरो का मतलब नल वेक्टर आ गया ज़ीरो आई ज़ीरो जे ज़ीरो के, है ना, ए की जगह ए वेक्टर लिख दिया, ज़ीरो की जगह ज़ीरो वेक्टर लिख दिया। अब दो वेक्टर को ऐड करना है, आई कंपोनेंट में ऐड होगा, माइनस फाइव में ज़ीरो को ऐड करोगे तो माइनस फाइव आ जाएगा, थ्री जे और ज़ीरो जे थ्री और प्लस ज़ीरो थ्री आ जाएगा, है ना, थ्री प्लस ज़ीरो ऐड करेंगे थ्री जवाब आ जाएगा, माइनस फोर में ज़ीरो ऐड करेंगे माइनस फोर आ जाएगा, ए प्लस ज़ीरो। तो अब से नाम दे दें इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम दे दें, सॉरी हवाला दें बाई इक्वेशन नंबर वन, माइनस वाई फाई थ्री जे माइनस फोर के, बेटा ये है किसके बराबर, माइनस फाइव फाइव थ्री ये माइनस फाइव फाइव थ्री जे फोर के ए के बराबर है, तो मुझे लिखना चाहिए ए प्लस ओ ए के बराबर है, इसे नाम दे दें हम इक्वेशन नंबर थर्ड का। अब आप बताइए इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर थ्री को फोकस करें, इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन नंबर टू में ओ प्लस ए को हमने ऐड किया तो ए जवाब आया था, इक्वेशन थ्री में ए प्लस ओ को ऐड किया था तो ए जवाब आया था। तो यहाँ लिखेंगे बाय इक्वेशन टू एंड इक्वेशन नंबर थ्री, क्या बात प्रूफ हो गई कि मैंने पहले तो ऐड किया है किसको, ओ ओ प्लस ए को ऐड किया, उसका जवाब ना ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ओ प्लस ए के बराबर है, ए प्लस ओ ए के बराबर है, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, ए प्लस ओ कहते हो ना, एक्स बराबर है वाई के, वही एक्स बराबर है जेड के, इक्वेट करोगे एक्स एक्स बराबर हैं तो ये वाई इक्वल टू जेड आ जाएगा, तो ये ए ए बराबर हैं तो ओ प्लस ए बराबर हो जाएगा ए प्लस ओ के बराबर होगा, और ये रिज़ल्ट दोनों खुद ए के बराबर हैं,
इसी बात को हमें प्रूव करना था। तो ये बहुत आसान सा सवाल था जो हमने कंप्लीट किया। एक और पार्ट इसमें पूछा गया है, ये पार्ट, ये लैंग्वेज क्वेश्चन है। इसमें ए और बी आपको गिवन है, वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। ए गिवन है, बी क्वेश्चन नंबर वन ही है, उसका थर्ड पार्ट है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, वेरीफाई करें। वेरीफाई करने का मतलब टू प्रूफ करना है, कम्यूटेटिव का मतलब अदल बदल प्रूफ करना है। वेक्टर एडिशन, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एडिशन है। ये वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है, यानी अदल बदल कर सकते हैं, बी प्लस ए करके लिख सकते हैं, सही। वेयर ए हमें गिवन है, बी हमें गिवन है, ये ए की वैल्यू यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम, से ये आ गया आपके पास 2i। तो इसमें आप पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लें, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी, ठीक है। तो हम पहले a लिख लेंगे, प्लस और b लिखा जाएगा। ए की वैल्यू कॉपी करते हैं माइनस फाइव आई, ये ए की वैल्यू कॉपी की। बी की वैल्यू कॉपी करते हैं 2i प्लस 4j प्लस ऑफ 5k। और अब हम जो है इसको जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। i कंपोनेंट में ऐड होता है माइनस फाइव और 2, डायरेक्ट में लिख देता हूँ माइनस 3i। जे कंपोनेंट में ऐड होगा 7j। माइनस 4 प्लस का 5 1k को हम k लिख सकते हैं, से इक्वेशन नंबर 1 बेटा। ये a प्लस बी हासिल हो गया, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, वेक्टर एडिशन मतलब a प्लस बी, वो कम्यूटेटिव है, मतलब अदल बदल करके लिख सकते हैं, b प्लस a लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट a प्लस बी तो मैंने मालूम कर लिया, अब मैं b प्लस a की तरफ बढ़ता हूँ, b प्लस a। तो पहले b वेक्टर लिखेंगे हम, बाद में a वेक्टर लिख देंगे। अब b वेक्टर आपके पास लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 2, 4, 5, लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माइनस 5i प्लस ऑफ 3j माइनस का 4k, ठीक है। इसको हम लिखेंगे i कंपोनेंट के साथ प्लस का 2 माइनस का 5 माइनस 3i आ जाएगा, प्लस का 4 प्लस का 3 ये 7j आ जाएगा, प्लस 5 माइनस का 4 प्लस ऑफ 1k को हम सिर्फ k लिख सकते हैं, ये आ जाएगा b प्लस a के साथ। बताइए, इसे हम नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। a प्लस बी का जवाब माइनस 3, 7, 1, बी प्लस ए का जवाब माइनस 3, 7, 1। तो नतीजा क्या मिला, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 से पता ये चला कि a प्लस बी का जो हमने एडिशन करते वक्त जो रिजल्टेंट मालूम किया था, b प्लस ए को ऐड करते वक्त वही रिजल्टेंट हासिल हो गया। तो ये बात प्रूव हो गई, हैंस वेक्टर एडिशन बिटवीन टू वेक्टर्स फॉलो, किसको फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ, यानी अदल बदल वाले कानून को जो है वो ये बात प्रूफ हो गई। आई होप ये क्लियर है। इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है आपको ये लेक्चर थोड़ा लेंथी था, समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसका अगला सवाल करा देंगे। 2 से 3 लेक्चर में ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी, आसान सी एक्सरसाइज है, आप फास्ट मोड में भी इसको सुन सकते हैं।
और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी करें। 13 मार्क्स का चैप्टर है ये और आसान चैप्टर है। फिज़िक्स में भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, तो श्योर आपका 13 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।